नमस्कार, मैं योगिता बिले योगिताज किचन में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। इससे पहले भी मैंने सुरमई स्टोर कैसे करनी है वो आपको दिखाया है, मतलब वीडियो मराठी में है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि योगिता ये वीडियो हिंदी में बनाओ, तो खास आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सुरमई क्या होता है, हम कोई भी फिश हो मार्केट से लाते हैं, एक साथ उसको स्टोर कर देते, और जब निकालते हैं तो वो कैसे मॉइस्चर की वजह से वो पूरी पिघल जाती है और बाद में ज्यादा देर तक बाहर रहने की वजह से वो खराब हो जाती है। अब आपको मालूम ही है अभी फिश के प्राइस कितने कितने ज्यादा है, तो आप अगर अच्छी तरह से स्टोर करेंगे तो 1 महीने तक भी आप सुरमई को आराम से उसी टेस्ट की सुरमई को आप खा सकते हो। तो वो कैसे स्टोर करनी है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आज हम देखेंगे कि सुरमई को कैसे क्लीन करना है और कैसे स्टोर करना है। यह अभी बाज़ार से मैं 2 किलो की सुरमई लाई हूँ, और सुरमई कटिंग करते वक्त इतने पतले स्लाइस होने चाहिए इसके, तो वो टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। अगर ज़्यादा मोटी रही ना तो वो टेस्ट में अच्छी नहीं लगती है। देखिए, इस प्रकार के स्लाइस होने चाहिए, एकदम फ्रेश है ये, आपको दिख रही होगी। ये देखिए, कोई भी आप पीस उठा के देखेंगे एकदम फ्रेश है ये सुरमई। अभी इसको क्लीन करने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। और ऐसे वाले जो पीस रहते हैं ना, इसमें इसके अंदर ये ऐसी काली वाली थोड़ी सी गंदगी रहती है, ये पूरी ऐसे निकालनी चाहिए। अगर ये थोड़ी भी इसको सुरमई को लगी हुई रही ना, तो वो सुरमई कड़वी लगती है, इतने इतने पार्ट में वो कड़वी हो जाएगी। देखिए, ऐसे ऐसे निकालनी चाहिए वो पूरी। और एक निकाल के दिखाती हूँ मैं। और इसके जो छोटे छोटे पीस रहते हैं ना, मतलब सिर के और ये पूंछ की तरफ के, वो आप करी में यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेश वाली जो है ना, वही करी अच्छी लगती है। अगर आप करी के लिए पीस रखेंगे और बाद में करी करेंगे तो वो अच्छी नहीं होती है। तो सुरमई जब फ्रेश होती है तभी उसकी करी बनानी चाहिए। देखिए, इस तरह की ये थोड़ा काला पार्ट रहता है ना, यह आप ऐसे निकालेंगे ना तो निकल जाएगा। और ये ऐसे खींचोगे ना, देखिए पूरी क्लीन हो गई, देखिए दोनों तरफ से। तो ऐसे पूरे क्लीन करके 2 पानी से अच्छी तरह से धोना है। हर एक पार्ट को ऐसे थोड़ा सा ऐसे ये करके ऐसे धो के लेना है, तो वो एकदम ऐसे सफ़ेद दिखेगा। नहीं तो पहले हम देखेंगे तो वो रेडिश दिख रहा था, क्लीन करने के बाद ऐसा दिखेगा। तो मैं पूरे ये सुरमई धो लेती हूँ, बाद में आपको दिखाती हूँ। अब ये सुरमई हमारी पूरी तरह से क्लीन हो गई है, आप देखोगे तो ये एकदम वाइट हो गई है अभी क्लीन होने के बाद। और इसके जो काटे वाले पीस थे जो करी के लिए यूज़ होते, वो मैंने अलग से रख दिए हैं। अभी अपने को इसको मैरिनेट करना है। अगर आप ऐसे ही फिश रखोगे तो उसमें वो ऐसा पानी पानी जैसे फिश की टेस्ट आती है। अगर आप हल्दी और नमक लगा के रखोगे तो वो 1 महीने से भी ज़्यादा आपकी अच्छी रहेगी और फिश एकदम कड़क हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक प्लेट में, एक ऐसी प्लेट लेंगे, मैं हमेशा फिश के जो प्लेट्स रहते हैं ना वो अलग ही रखती हूँ, थोड़े से ऐसे डिज़ाइन वाले वो समझ में आ जाते हैं, तो वो अपने रेगुलर के कुकिंग में मिक्स नहीं होते हैं। अब एक प्लेट में हमको इसको जितनी हल्दी लगेगी, अंदाजे से ये 2 किलो सुरमई है, तो मैं एक और आधा डेढ़ बड़ा चम्मच हल्दी ले रही हूँ। हल्दी से इसमें फिश में जो स्मेल है ना वो निकल जाती है और टेस्ट भी अच्छी लगती है। और नमक आप अपने हिसाब से लेंगे, ये 2 बड़े चम्मच मैं नमक ले रही हूँ। और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। नमक लगा के रखने से फिश में बहुत अच्छी टेस्ट आती है और फिश ऐसे कड़क भी हो जाती है और ज़्यादा दिन तक वो अच्छी रहती है। वो नमक प्रिजर्वेटिव का काम करती है, इसके लिए अपनी फिश अच्छी रहती है। धोने से पहले आप रखोगे ना तो उसकी उसमें बहुत ऐसी स्मेल आती है, तो धो के अच्छे से रखनी है अपने को फिश। ये अभी हो गई है, तो अभी एक एक सुरमई का पीस लेना है।
और अभी फिश में लगाते वक्त भी, अभी ये पूरा फिश है तो इसको अलग रखना है, बाद में ये ऐसा थोड़ा सा होल वाला है मतलब सिर के तरफ का, उसको अलग रखना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे इसको लगाना है इस तरह से, हल्दी और नमक बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे हल्के हाथ से ऐसे लगाना है और इसको ऐसे रख देंगे, ऐसे एक एक फिश को लेके अलग अलग रख देंगे हम। इस तरह से अभी मैंने क्या किया है, ये वाला अलग रखा है, ये वाला अलग रखा है, ऐसे ही हर एक फिश को अलग अलग करेंगे। ये छोटे वाले अलग, तो परोसने में आसानी हो जाती है, हर एक को ये वाला एक और ये वाला, ऐसे आप दो दो फिश अच्छी तरह से फ्राई करके दे सकते हैं। अगर आप बाकी के फिश की तरह ऐसे डायरेक्ट डाल के ऐसे ऐसे करोगे ना तो वो फिश पूरी टूट जाएगी, क्योंकि ये नाजुक रहती है फिश। अगर आप ऐसे अच्छी तरह से लगा के रखोगे ना तो वो फिश एकदम अच्छी रहेगी। अभी मैं ऐसे हल्दी नमक पूरा लगा के ले लेती हूँ, बाद में आपको दिखाती हूँ। अब ये पूरी सुरमई को आप देखेंगे तो हल्दी और नमक लगा के ले लिया है मैंने अच्छे से, ज़्यादा नहीं लगाना है नहीं तो वो नमक उसमें ज़्यादा हो जाएगा, हल्के हाथ से लगाना है। तो जितना हमने नमक लिया था वो बराबर हो गया। अब ये स्टोर करने के लिए मैं हमेशा यूनि रैप का यूज़ कर, ये मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और रैप में आसानी हो जाती है। तो हमको इसे लेना है जितना चाहिए, और इसको कैसे कटर अच्छे से दिया हुआ है तो वो एकदम आसानी से कट भी हो जाता है इस तरह से। अब ये इस तरह से मैंने पेपर काट लिए हैं, और हमको इस तरह का प्लास्टिक का डिब्बा लेना है। आप कोई भी अपने जो घर में अवेलेबल है ऐसा, ये ऐसा बॉक्स ले सकते हो। मैंने ये फ़िश के लिए अलग से लिए हैं क्योंकि फ़िश की साइज़ के हिसाब से ये इस तरह से अच्छे से बैठ जाते हैं और फ्रीज़र में भी अच्छे से रह जाते हैं। तो हमको क्या करना है कि जितने अपने घर में लोग हैं उस हिसाब से अपने को इस तरह से सुरमई रखनी है। एक बार में अपने को जितने पीस लगते हैं, अगर चार लोग हैं तो दो दो के हिसाब से आठ लगते हैं, मैंने ये चार पीस रख दिए हैं यहाँ पे इस तरह से। और बाद में मैं इसके अंदर ये यूनि रैप डालूंगी। ये पेपर आप ये रीयूज भी कर सकते हो। इस तरह से डालने के बाद फिर अपने को दूसरी लेयर रखनी है, ऐसे जैसे चाहिए आप वैसे पीस रख देंगे। तो ये वापस से ऐसे पेपर डालना है इस तरह से। अब आप फ्रीज़र में ये स्टोर करने के बाद अपने को जितना जितना फिश चाहिए, अगर आप ऐसे चार चार रखेंगे तो बहुत सारे डिब्बे हो जाते हैं, तो एक ही डिब्बे में आप 15 दिन का भी, 15 दिन के लिए जितनी लगती है उतनी सुरमई भी आप स्टोर कर सकते हो। तो आपको जितनी फिश चाहिए ना उतनी, ये रैप की वजह से क्या होगा, आप ये ऐसे निकालेंगे ना तो अपने को जितनी चाहिए आप फ्रीज़र में से डिब्बा निकालेंगे बाहर, और उसके बाद 5 5 या 10 मिनट डिब्बे को वैसे ही रखना है, और खाली ऐसे उठाएंगे आप, ऐसे अगर आप उठाओगे तो एक बार की आपकी पूरी फिश ऐसे पूरी निकल आएगी, और बाकी जो डिब्बा है आपको अंदर रखना है। तो आपको अगर मेहमान आए तो आप ऐसे दो लेयर निकालेंगे, अपने को जितना चाहिए आप उतना निकाल सकते हो। एक साथ स्टोर करने से क्या होता है, पूरी फिश एक बार में ही डिफ्रॉस्ट करनी पड़ती है और उसमें वो ख़राब हो जाती है। अगर आप ऐसे पेपर डाल के सुरमई स्टोर करेंगे तो आसानी से वो निकल जाती है, क्योंकि 5 मिनट में ही ये पेपर जो है वो थोड़ा सा पानी छोड़ देता है और निकल जाती है। बार बार आप ऐसे पूरी जो अगर डिफ्रॉस्ट करोगे तो एक साथ ही पूरी ख़राब हो जाएगी। तो ये इस तरह से निकालने से नीचे की जो है वो डिफ्रॉस नहीं होगी, आप आसानी से फिश निकाल के खा सकते हो, आपको जितनी चाहिए उतनी आप रख सकते हो। तो
तो इस तरह से मैं पूरी सुरमई स्टोर कर लेती हूँ, बाद में आपको दिखाती हूँ। आप इस तरह से स्टील के डिब्बे में भी स्टोर कर सकते हो। मैंने ये फिश के लिए अलग से डिब्बे लिए हैं, हमेशा मैं फिश इसी में स्टोर करती हूँ और ये डिब्बे में अलग से रख देती हूँ। इस तरह के डिब्बे लेने से आसानी से फिश मुझे स्टोर करने को मिल जाती है। अब ये सुरमई पूरी मेरी इस डिब्बे में अच्छी तरह से बैठ गई है। देखिए, 2 2 किलो में से इतनी मैंने अभी के लिए फ्राई के लिए निकाली है, ये 7 पीस, और ये जो है वो करी के लिए निकाली है, मतलब सिर का, पूंछ का, और ये छोटे छोटे जो रहते हैं ना, वो फिश करी के लिए मैंने ये अलग से निकाल दिया है। अब इसको आप ढक्कन लगा के फ्रीज़र में स्टोर कर देना। तो इतना ही खाली एक पेपर निकालना है अपने को, और एक बार की सुरमई आपको आसानी से मिल जाएगी। इस तरह से जो सुरमई की टेस्ट है वो वैसे की वैसी बरकरार रहेगी, और आप 1 महीने तक भी सुरमई आसानी से उसी टेस्ट की खा सकते हो। हल्दी और नमक लगाने से वो अच्छी तरह से एकदम कड़क हो जाएगी और उसकी जो स्मेल है वो भी पूरी निकल जाएगी। अब ये डिब्बा मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मैंने इसमें सुरमई को स्टोर किया है और कितने अच्छे से उसके लेयर लगाए इसमें। अब ये मैंने पूरा दिन और पूरा एक रात डिब्बा फ्रीज़र में रखा था। अब मैं दूसरे दिन मैंने ये डिब्बा अभी निकाला है, क्योंकि मुझे अभी भी सुरमई को फ्राई करना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने इजीली आप वो निकाल सकते हो। 5 मिनट हो गए डिब्बा निकाल के, इसलिए ये मॉइस्चर थोड़ा सा ऐसे पानी पानी हो गया इधर। देखिए, अब ये सुरमई एकदम कड़क है, अभी इसके पीस निकलेंगे नहीं, लेकिन हमने लेयर लगाए हैं ना, तो ये यूनिरैप हमने यूज़ किया है, तो इजीली ये जो पेपर है वो निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये अभी एक लेयर अपना निकल के आ गया, बाकी अपने जो लेयर है वो नीचे ही है। देखिए, अभी ये सुरमई बहुत कड़क है, अगर आप ऐसे निकालोगे तो वो निकलेगी नहीं, तो आसानी से बाकी के जो अपने सुरमई है वो स्टोर हो जाते। आप ऐसे पेपर उठाओगे तो ये पूरा निकल जाता है पेपर यहाँ से। देखिए, ये ऐसे आप निकालोगे पेपर तो पूरा लेयर निकल के आ जाएगा। ये मैंने एक लेयर निकाला है और अभी बाकी मैं ये ऐसे ही भर के फ्रीज़र में स्टोर कर दूंगी। और ये अभी आप देखोगे ना, ये अभी निकल नहीं रहे, एक एक दूसरे से छूटेंगे नहीं, क्योंकि ये अभी कड़क है, अभी निकले हैं ना ये। तो अभी ये आधा घंटे के लिए हम अपने को बाहर रखना है। आधे घंटे के बाद आप इसमें आपको जैसा मसाला चाहिए वैसा मसाला लगा के आप इसको फ्राई कर सकते हो, तो अपनी फिश फ्रेश अपने को मिल जाएगी। इस तरह से आप ट्राई कीजिए और आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। ज़्यादातर मेरे वीडियो मराठी में ही है, आपने देखा होगा, लेकिन आप सबके लिए खास मैंने हिंदी में वीडियो ट्राई किया है, तो थोड़े से लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको और कौन से हमारे जो वीडियो है वो हिंदी में देखना है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।